New Tech Entertainment Private Limited. Good morning, Westegians. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर लर्निंग मोटिवेशन के साथ अर्निंग की तरफ। मैं हूं नमिता महाजन, मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर और सर्टिफाइड लाइफ कोच। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में। ये चैनल है हमारा तरीका, जिसमें हम दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर से अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज अहम सवाल, आप पैसे से कितना प्यार करते हैं? इतना कि आपके बैंक में पैसा हो और आप ऊपर चले जाओ। एक स्टडी से पता चला है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और उनका पैसा बैंक में ही पड़ा रहता है। उस पैसे को जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत करी, उसके लिए हमने कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करे अपनी लाइफ में। लगभग 48,000 करोड़ रुपए अनक्लेम पड़े हैं हमारे बैंकों में। ये उन लोगों के पैसे हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से कोई क्लेम नहीं किया। शायद वो अब जिंदा हैं भी या नहीं, ना ही उस पैसे का कोई हकदार है। सवाल आज पैसे का नहीं है माय डियर फ्रेंड, सवाल ये है पैसे को बचाकर क्यों रखना है जब उसका आनंद ही नहीं लिया। सर्वे बताता है लोग रिटायरमेंट के बाद भी पैसा बचाकर रखने का प्रयास करते हैं। शायद उनको लगता है इमरजेंसी में काम आएगा। कुछ लोग लेगेसी छोड़ जाने के लिए तैयार रखते हैं और कुछ को बचत से सिक्योरिटी मिलती है। कुछ को डर है कि पैसा खत्म ना हो जाए। दोस्तों, क्या आपको लगता है पैसा एक बार खर्च कर दिया तो उसे हम वापस नहीं पा सकते? अब एक और सवाल उठता है, पैसा कमाए ही क्यों जब उसे खर्च ही नहीं कर सके? दोस्तों, ये है आज का भारत, जहां 75% लोग पढ़े लिखे हैं और उनमें से केवल 24% ही आर्थिक रूप से साक्षर हैं, यानी फाइनेंशियली लिटरेट। आश्चर्य की बात केवल ये है कि 24% लोगों को ही सेविंग, डेप्थ, इन्वेस्टमेंट और बजटिंग का ज्ञान है। माय डियर फ्रेंड्स, या तो हम ओवरस्पेंड कर रहे हैं या ओवर सेव कर रहे हैं। 50% लोग अपनी इनकम का 0 से 20% सेविंग करते हैं। क्या आप जानते हैं अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें? दोस्तों, दुर्भाग्यवश हमारे स्कूलों में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और सिंपल इंटरेस्ट सिखाया तो जाता है, थ्योरी तो बताई जाती है पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं। मनी मैटर की कैलकुलेशंस तो होती हैं आपके पास, पर डिसीजन मेकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी का अनुभव एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए हम अपने दोस्तों और रिलेटिव्स की सलाह पर निर्भर करते हैं। हम करें तो क्या करें? दोस्तों, बेसिक्स पर काम करना होगा। स्कूल लेवल पर जब बच्चा पढ़ता है तभी उसको फाइनेंस के बारे में बताना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल सिलेबस में इंक्लूड होनी चाहिए। दोस्तों, स्कूल्स में हम बेसिक एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन प्रोफेशनल कॉलेजेस में ले लेते हैं, पर फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कहीं भी नहीं मिलती। फाइनेंशियल लिटरेसी के अभाव में स्टूडेंट हाई इंटरेस्ट लोन लेता है और बाद में अपनी सैलरी का मेजर हिस्सा उस डेब्ट को चुकाने में लगाता है। बजटिंग की जीरो नॉलेज, उधार लो और चुकता करो, नतीजा स्ट्रेस और ऑर्डिनरी लाइफ। बजटिंग फॉलोज सिंपल स्टेप। लगभग 72% भारतीयों को शायद ही मालूम होगा कितना पैसा इन्वेस्ट अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपके रहन सहन को इम्प्रूव करता है माय डियर फ्रेंड्स। आज जानना और समझना होगा आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स को, ना कि एक्स्ट्रा अलर्ट इकोनॉमिकल सेविंग्स जो हम आज तक करते आ रहे हैं। एक अच्छी लाइफ की शुरुआत लक्ष्यहीन बचत से नहीं होगी। आपको आज करना होगा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स,
टाइम फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टार्ट अर्ली। अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करें। आज गूगल तमाम यूजफुल ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताता है। सीखें और अपनी लाइफ को फाइनेंशियल लिटरेसी से बेहतरीन बनाएं। एजुकेट योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स। सिक्योर योर टुमारो विद नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ड्रीम्स टुडे। माई डियर फ्रेंड्स, आइए ज्ञान और अवेयरनेस से दुनिया को बेहतर बनाएं। कीप शाइनिंग। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो माई डियर फ्रेंड्स अच्छी लगे तो अपनी टीम में भी शेयर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। विश यू वेल्थ।